हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ एक वीडियो जो कि है बहुत ही यूज़फुल और सर्दियों में आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। जैसा मैंने पहले बोला था अपने ब्लॉग में कि आज मैं आप लोगों को मतलब जल्दी ही मैं आप लोगों के साथ में लड्डुओं की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि सर्दियों में आपके कमर दर्द और हेयर फॉल, हैंड, मतलब सर्दियों में सारे दर्द होने लगते हैं, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, सारे दर्द होते रहते हैं। और ठंड के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, सभी लोग इसे खा सकते हैं लड्डू। तो आज मैं जो लड्डुओं को शेयर कर रही हूँ वो है अलसी के लड्डू, गोंद के, मतलब उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स मिले हुए हैं और बहुत ही अच्छी है आप लोगों के लिए। मतलब विंटर्स में इसे आप बनाकर खाएंगे और बहुत ही ईजी तरह से बनाए गए हैं। तो आज मैं वही शेयर करने वाली हूँ और बहुत ही यूज़फुल रहेंगे आपके लिए। और ठंड में आप इसे एक बार बना कर देखिए। खाने में भी बहुत से लोग सोचेंगे अलसी के लड्डू हैं अच्छे नहीं लगेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार खा के देखेंगे तो रियली बता रही हूँ आपको, बहुत ही अच्छे लगते हैं। मतलब मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब मेरी तो बने हुए हैं तो मैं तो खाती हूँ। रियली बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। और नहीं, कुछ लोग सोचते हैं अलसी है तो शायद ना अच्छा लगे, बट ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे लगते हैं। और गोंद के लड्डू हैं, उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, उसमें सारे मतलब आप जानते ही हो काजू, सॉरी बादाम, काजू भी अच्छा होता है, बादाम कितने फ़ायदा करता है सर्दी, वो तो हर समय मतलब आप कभी भी सीजन में खाइए, फ़ायदा ही करता है। और दूसरी बात यह है कि बादाम सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है, मखाने बहुत फ़ायदा करते हैं और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। गोंद हमारे जितने भी जोड़ों के दर्द होते हैं उनको ठीक करता है और अलसी हेयर फॉल में काम आता है और बहुत सी चीज़ों में काम आता है और सारी चीज़ों में मतलब बहुत ही अच्छे होते हैं ये सारी चीज़ें जितने भी इसमें मिले हुए हैं। तो आज मैं वही शेयर करने वाली हूँ किस तरह से इसको बनाया जाता है और किस तरह से इसको बनाकर स्टोर कर सकते हैं। मतलब इसको बनाकर आप 1 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी इसको बनाकर 1 मंथ तक स्टोर करना है। और आप इसे चाहे तो शक्कर के साथ में भी बना सकते हैं, वैसे मैंने यहाँ पर गुड़ के साथ में यूज़ किया है क्योंकि सर्दियों में गुड़ में ज़्यादा यूज़फुल रहता है। तो आप चाहे तो इसे शक्कर से भी यूज़ कर, शक्कर से भी इसकी जो सीरा बनता है, शक्कर की जो चाशनी बनती है उसके साथ में भी आप बनाकर इसे खा सकते हैं। सो आज मैं वही शेयर करूँगी, देखिएगा मैंने किस तरह से लड्डू बने हैं, किस तरह से इसको मतलब किस तरह से इसको जितने भी सारे ड्राई फ्रूट्स हैं कैसे बनाए जाते हैं, कैसे मिलाए गए हैं और किस तरह से इसको बनाया गया है। सो चलिए, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ को आप लोग मिस ना कर पाएँ, तो मैं वॉच कर पाएँ। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करती हूँ अपने आज का वीडियो और आई होप यूज़फुल रहेगा। सो देखिए और देख कर बताइए आपको कैसी लगी है मेरी ये गोंद के लड्डुओं की वीडियो। सो यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो है ये है पोस्ता के दाना। इन्हें अच्छे से फ्राई किया जा रहा है कढ़ाई में, बिना घी के फ्राई किए जा रहे हैं। इन्हें आप मार्केट से लाकर थोड़ा सा बिन लीजिए, उसके बाद में साफ़ कर लीजिए, फिर उसके बाद में इसको फ्राई कर लीजिए। पोस्ता के दाना आपको अगर सर्दी खांसी है उसमें बहुत फ़ायदा करता है, हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसमें भी बहुत फ़ायदा करता है। और तो सर्दी में इसे ज़रूर खाना चाहिए, इसे खसखस भी बोलते हैं। साथ में नेक्स्ट है ये अलसी के बीज, इन्हें वेजिटेरियन फिश भी कहा जाता है और बहुत ही फ़ायदा करता है, ये सभी लोग जानते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। साथ ही में आपको इसे सर्दियों में खाने से बहुत ही गर्म होता है तो फ़ायदा भी करता है और आपकी जोड़ों के दर्द भी सही करता है। साथ में अगर आपके बालों में झड़ने की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक करता है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे बादाम काजू, तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं इसमें कितने अच्छे मतलब हमारी हेल्थ के लिए सारी ही ये गर्म भी होते हैं, बहुत फ़ायदा करते हैं। सो नेक्स्ट है ये मखाने भी हमारी हेल्थ के लिए इतने अच्छे होते हैं, जैसे अगर आपके जोड़ों को दर्द है उन्हें ठीक करता है, साथ में आपका डाइजेशन ठीक रखता है। एंड अगर आपके अगर किसी को भी हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसे भी ठीक करता है। एंड मखाने खाने से तनाव भी अगर किसी को होता है तो वो भी बहुत कम करता है। मतलब आजकल वैसे भी बहुत ऐसा समय है कि मतलब स्ट्रेस हर किसी को होता है, तो मखाना
आप डेली यूज़ में लेते हैं अगर खाने में, तो ये स्ट्रेस भी कम करता है। साथ ही में अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसे भी मखाने खाने चाहिए, उसके लिए भी मखाने बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें मिलाई गई हैं इस लड्डुओं में, तो सारी चीज़ें आपके हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। काजू है, बादाम है और मखाने हैं। और उसके बाद में यहाँ पे कढ़ाई पर रख दिया गया है घी। घी में आपको कंजूसी नहीं करनी है, घी आपको इतना रखना है कि मतलब उसमें आपको गोंद को फ्राई करना है, तो आपको इतना रखना है घी को कि कढ़ाई में गोंद अच्छे से फ्राई हो जाए। और गोंद जब फ्राई होता है तो डबल हो जाता है, जितना आप डालते हो उसे डबल ही, आप देख सकते हो यहाँ पर फ्राई होकर डबल हो गया है। तो गोंद भी, यहाँ मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में लड्डू बनाए हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में गोंद सब कुछ लिया है। गोंद मैंने यहाँ पर आधा किलो लिया था, ये यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा करके मैंने यहाँ पे भुने गए हैं तो यहाँ पर कम कम लग रहा है। और अभी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि गोंद आधा किलो था और बनकर जब फ्राई करके हटाया गया है तो वो कितना ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे आपने देखा था कि कितना थोड़ा डाला गया था वो डबल हो जाता है, इसलिए गोंद को अच्छे से घी में फ्राई किया जाता है। तो गोंद भी जोड़ों का दर्द जो होता है, बालों का झड़ना, बहुत कम करता है। आपके जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं बॉडी में, ये सारी चीज़ें मिलकर आपकी बॉडी की लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। सो यहाँ पर अलसी के बीज को पीस लिया गया है, ये है गोंद, आप देख सकते हो गोंद को भी यहाँ पर हल्का सा दरदरा कर लिया गया है। साथ ही में सारे अलसी के बीज को पीस कर देख सकते हो, ये एक भगोना है बड़ा सा, कम से कम नहीं है तो 10 लीटर का था। इसको अच्छे से यहाँ पर रखा गया है, सारी चीज़ें एक में मिक्स करके रखी जाती हैं, तो इससे ये होता है कि मिक्स करके अच्छे से लड्डुओं को बनने में आसानी हो जाती है। सो यहाँ पे सारी अलसी को भून लिया गया, ये आप देख सकते हो अलसी यहाँ पर 2 किलो थी, 2 किलो अलसी में आधा किलो गोंद डाला गया है, और सॉरी आधा किलो नहीं, 1 किलो गोंद था, 1 किलो गोंद डाला गया है। और साथ ही में बादाम काजू मिक्स किए गए हैं और गुड़ यहाँ पर ऐड किया गया है, गुड़ की चाशनी भी बनाया गया है। और यह आप देख सकते हो सारी अलसी पहले पीस ली गई है, मखाने यहाँ पर डाल दिए गए, मखाने पूरे डाले गए हैं, 1.5 किलो मखाने यहाँ पर डाले गए हैं। और साथ ही में यहाँ पर मिक्स करे जा रहे हैं पूरी चीज़ों को, अलसी, बादाम, काजू, मखाने, गोंद, सभी चीज़ों को मिक्स किया जा रहा है हैंड से। आपको अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है ताकि इसके लड्डू जब बने तो प्रॉपर अच्छे से बन जाए, कहीं पर अलसी, कहीं पर कुछ ऐसे ना मालूम पड़े ड्राई फ्रूट्स उसके जो हैं अलसी में, सारे अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएँ। कोई भी जैसे गोंद होता है तो कहीं कहीं अगर आप मिक्सी में थोड़ा सा फ्राई कर से दरदरा पीसते हैं तो क्या होता है कि हल्का सा ये खड़ा खड़ा सा रह जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गोंद और पीसा जा रहा है, तो ये आप देख सकते हो एक बार अगर मिक्सर चलाने से अच्छे से पीसता नहीं है। और आपको ज़्यादा इसे बिल्कुल महीन बारीक नहीं करना है, जिस तरह से ये किया गया इतना ही रखना है, क्योंकि हल्का खड़ा खड़ा रहता भी है तो कोई इससे वो नहीं है, लड्डू जब बनते हैं तो ये अपने आप मिक्स हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हो ये 1 किलो गोंद था और इतना सारा हो गया है फ्राई हो, मतलब फ्राई कर रखा गया है एक जगह। तो यहाँ पर चिरौंजी मिलाई गई है, ये है चिरौंजी, और इसी में ही अब ऊपर से मिला दिया जाएगा किशमिश, क्योंकि इन्हें फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिना फ्राई हुई लड्डू को आराम से स्टोर करके रख दे सकते हैं, काफ़ी देर 1 महीने तक रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये गोंद जितना बचा था सारी मिक्स करे गए हैं, और दूसरी साइड कढ़ाई पर चढ़ा दिए गए हैं 2 गोंद, ये गुड़, गुड़ की चाशनी से लड्डू बनेंगे, शक्कर की चाशनी अगर आप चाहें तो शक्कर की चाशनी से भी बना सकते हैं, शक्कर की चाशनी भी अच्छी होती है, बट यहाँ पे सर्दियाँ चल रही हैं, सर्दियों में गोंद के लड्डू बनाने के लिए गुड़ बहुत हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे चाशनी बन गई थी 2, इसको बस गुड़ अगर आपका गल जाता है उसके बाद में लड्डू तैयार हो जाते हैं बनाने के लिए। सो इस तरह से गोल गोल राउंड करके लड्डू मेरे रेडी हैं, तो आप भी चाहें बना सकते हैं।